बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर बी डूइंग ग्रेट। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक फेस वॉश का रिव्यू। ये फेस वॉश कौन सी ब्रांड का है, कौन से इंग्रेडिएंट से बना है, इसको यूज करने के क्या बेनिफिट्स हैं, सारी डिटेल्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट। मैं भी लेके आई हूँ ना मॉम को विटामिन सी फेस वॉश का रिव्यू। इससे पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि कैसे आप फेस वॉश सिर्फ 99 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको या आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए पहले मैं आपको डिटेल में इस प्रोडक्ट के बारे में बता देती हूँ और फिर मैं इसका डेमो और अपना पर्सनल रिव्यू भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि समर का वेदर आ गया और समर में क्या होता है ना, हमारी जो स्किन होती है ना वो डल पड़ जाती है, उसकी जो ब्राइटनेस होती है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो उस टाइम पे अगर हम विटामिन सी वाले प्रोडक्ट यूज करें ना तो बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं हमारी स्किन के लिए, क्योंकि वो हमारी स्किन को सन डैमेज से तो प्रोटेक्ट करते ही, उसके अलावा हमारी स्किन में जितनी भी ब्राइटनेस है ना उसको वापस देने में, हमारे ग्लो को वापस देने में हेल्प करते हैं। भाई, सबसे पहले तो बात कर लें इस फेस वॉश के बारे में, तो ये आपको कुछ इस तरह की पैकेजिंग में रिसीव हो जाता है और इसमें आपको मिल जाती है 100 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी, विच इज 289। और जैसे पहले वाला वीडियो मैंने डाला था उसमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ना ये आपको सिर्फ 99 रुपीज में कैसे मिल सकता है, वो सारी डिटेल्स मैंने उस वीडियो में शेयर करी है। इसकी अदर डिटेल्स के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको मिल जाता है ऑरेंज पील एंड प्रो विटामिन B5, जो कि आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में, सन डैमेज से प्रोटेक्ट करने में, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा अगर इसकी अदर डिटेल्स के बारे में बात करें तो ये वाला जो फेस वॉश है ना ये आपकी स्किन को पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करता ही है। उसके अलावा जैसे आपकी स्किन पे अगर सनबर्न वगैरह है उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है। और जो ऑरेंज पील होता है ना वो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने में, इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में हेल्प करता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप और क्लियर रखने में हेल्प करता है। ये है गाइस द मॉम्स कोक ऑफ नेचुरल विटामिन सी फेस वॉश, जो कि आता है ऑरेंज पील एंड प्रो विटामिन B5 के साथ। ये आपकी स्किन से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करने में हेल्प करता है और आपकी स्किन को ब्राइटन अप करता है। इसके अंदर जो दो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि नेचुरल विटामिन सी, वो आपकी स्किन को पोल्यूशन से तो प्रोटेक्ट करता है, अगर आपकी स्किन पे किसी भी तरह का सन डैमेज जो है उसको भी रिड्यूस करता है। और जिसमें ऑरेंज पील है ना वो जेंटली एक्सफोलिएट करता है आपकी स्किन को और आपकी स्किन से जितनी भी इम्प्योरिटीज है उसको भी रिमूव कर देता है और आपकी स्किन को क्लियर और ब्राइटन बना देता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ इसकी अदर डिटेल्स के बारे में तो इसमें आपको मिल जाती है 100 ml की प्रोडक्ट क्वान्टिटी, विच डिटेल्स 4 rupees 298। और इसमें आपको मिल जाती है 2 ईयर्स की शेल्फ लाइफ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स और बाकी की डिटेल्स आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो प्रोडक्ट है डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है और इसके अलावा ये ऑस्ट्रेलियन एलर्जी भी सर्टिफाइड है। इसमें किसी भी तरह के हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, पीटा सर्टिफाइड है ये और ये ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट है। ये मेरे को कुछ इस तरह के आउटर पैकेजिंग में रिसीव हुआ था जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये है इसकी आउटर पैकेजिंग और इसकी मेन पैकेजिंग। और द मॉम्स को के प्रोडक्ट की मेरे को एक बात और अच्छी लगती है कि ये सिर्फ नेचुरल इंग्रेडिएंट से बने होते हैं तो इसलिए ये किसी भी स्किन टाइप पर सूटेबल होते हैं। इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आप नॉर्मली जैसे अपना फेस को वेट करते हैं उस तरह से अपना फेस वेट करना है। उसके बाद आपको इसको थोड़ी सी अमाउंट लेकर अपने पूरे फेस पर अच्छे से इसको कम से कम 60 सेकेंड के लिए मसाज करना है और उसके बाद आप उसको नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। जब आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे तो आपको देखेगा कि आपका फेस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्मूथ हो जाएगा और आपकी स्किन पर ना एक हल्का सा आपको ब्राइटन अप इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। और अगर आप उनमें से जिनको समर्स में विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स यूज़ करना अच्छा लगता है तो आपको ये वाला जो फेस वॉश है ना डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। अगर मैं बात करूँ इसकी कंसिस्टेंसी के बारे में तो आप देख सकते हैं आपको बहुत ही थिक सी कंसिस्टेंसी मिल जाती है और इसका जो कलर है ना बहुत ही हल्का सा लाइट से ऑरेंज कलर में मिल जाता है आपको। और इसमें ना बहुत ही माइन्यूट स्टरिंग पार्टिकल्स भी है जिससे आपकी स्किन का ना बहुत ही अच्छे से एक्सफोलिएट भी हो जाएगी और इसकी जो फ्रेगनेंस है ना बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फ्रेगनेंस है। इसमें आपको एक बहुत ही माइल्ड सी फ्रूटी फ्रेगनेंस मिल जाती है। और अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करेंगे ना तो आपकी स्किन पे जितने भी डर्ट वगैरह है उसको तो रिमूव करेगा या आपकी स्किन को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करेगा। तो गाइस, अगर मैं अपना फाइनल रिव्यू दूँ आपको इस प्रोडक्ट के बारे में तो मैं तो आपको यही कहूँगी ये जो प्रोडक्ट है ना बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन पर काम कर रहा है। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे से मेरी स्किन को एक्सफोलिएट तो करता ही है। जब मैं इसको यूज़ करती हूँ ना तो मेरी जो फेस की स्किन होती है ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग भी बन जाती है।
जाती है। तो अगर आप मेरे रिव्यू पर इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं ना, तो आप डेफिनेटली मेरे प्रोडक्ट से परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट वीडियो का आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इसमें प्लीज थम्स अप दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज देखना चाहते हैं या फिर अगर आप शॉर्ट वीडियोज रील्स वगैरह देखना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोनों के हैंडल्स में मैंशन कर दूंगी, वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मैं ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए लाती रहूंगी। आप मेरे चैनल पर और भी काफी सारी प्लेलिस्ट वगैरह चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने डिफरेंट प्रोडक्ट रिव्यूज वगैरह की वीडियो शेयर करी है। उसके अलावा मैं मेकअप हॉल्स और डिफरेंट टाइप ऑफ डीआईवाई भी अपने चैनल पर शेयर करती हूँ, वो भी जाके आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट वगैरह। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाती रहूंगी। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।